तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जिस तरीके रुपया ले गया था, अरे रकम क्या, हमारा ब्याज तक हवेली नहीं पहुंचा। समझते हो क्या? बेवकूफ नहीं मालिक, 6 महीने की मोहलत। हमने कहा था हमारी रकम भले ही ना हमारी हवेली पहुंचे, लेकिन रुपया का ब्याज हर महीने हवेली जरूर पहुंचता रहे। ये आपकी बात तो सही है, लेकिन मजबूरी कुछ समझिए ठाकुर साहब। हम मजबूरी नहीं जानते, आप दयाल मजबूरी जानते ले समझे। क्यों रे, अभी जब मैं आया तो कह रहा था 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए, पिताजी के सामने 1 महीने की मोहलत चाहिए। साले जो भी आए उससे मोहलत मांग कर रुपया। मालिक आप लोग फिर आगे क्यों? पैसे नहीं आना चाहिए, पैसे नहीं है अभी। हराम मिराल, हम ठेकेदार हैं क्या पैसों के? अरे कुमहन बातचीत करो भाई, अम्मा बिटीवन से ज्यादा नहीं बोलते हैं। अपुर हम न कमोरे हवाले कह दे सागर टेठुआ न था बात हूं तो बता। हां लड़कियों से वैसे ही हम बात कम करते। मालिक छोड़ दीजिए मेरे पिताजी को, मत मारिए, मैं आपके हाथ छोड़ती हूं, मैं आपके पैर छूते छोड़ दीजिए। हम लोग गरीब हैं, इतना जुल्म मत कीजिए। हटाओ यार, टहरो, हटाओ, छोड़ दे, छोड़ दे, खत्म करो। बिचारी रुआवा थी, गिड़ गिड़ा थी, कतो भगवान ने करे तुम्हों को नहीं दिन दे आखे का पास। हटाओ, छोड़ दे। अरे पिताजी छोड़, टहरो कुंवर सिंह, छोड़ दीजिए, सारा पैसा इसके खाते में डाल दीजिए। कुंवर सिंह हम इसे छोड़ देते। हाँ अब आई ना, 10,000 इसे खाते में लिख दो, और 6 महीने प्लस 2 साल का 10% का ब्याज इसके खाते में लिख दो। मैं कहां से? अरे ये क्या, इसकी औलादें भी भरते भरते गंजी हो जाएंगी।
लिख दो। रुक जाओ यार छोटे मालिक, मैं कहां से दे हूं? मैं कहां से दे हूं? मोरे लड़का धारा है का कि मिले चलती है, है? मैं तो ये कातरा बिचारी रुआवत गिड़गिड़ा थी, छोड़ दे। अरे पूरे इलाके में रुपया बटा हुआ ठाकुर गरम सिंह का, अगर इसी तरीके रहम करता रहा तो हवेली नहीं झोपड़ी भी नहीं नसीब होगी। हमारा काम है रुपया देना, रुपया वसूल करना। देखो भाई अब रुआओ चाहे गिड़गिड़ाओ, पैसे नहीं है। ए हरामिलाल, बकवास नहीं कुंवर सिंह, इस लौंडिया को उठा और हवेली ले चल, इस कुर्मी की औकात मैं देख लूंगा। उठा इसको। ए ठाकुर, होश में बात करना ठाकुर, रुपया मैं लाया हूं, मेरी बेटी नहीं लाई। मेरी बेटी के खिलाफ कोई भी बात किया तो ये शोक ठाकुर, आज ये कुर्मी जान देने के लिए तैयार है। नहीं औकात में रहे, औकात में कुंवर सिंह उठा लौंडिया को और हवेली चल। नहीं ठाकुर, नहीं को कटी, नहीं औकात में ठाकुर मारू या बुढ़ाऊना भाई ठन, या अंग्रेजी बहुत पढ़ा था। जो अंग्रेजी पढ़ता हो हवेली में बुला कर ला, ऐसा दफन करूंगा प्रशासन ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा, लाश नहीं मिलेगी। अबे मैं ये कोलिया का ही भागा जात रहा हूँ, कहा यही का सारे का मारो देख ले। हरामिलाल कोई क्या काम जान निकल गए। हरामिलाल जी मालिक, रुपया ऐसे वसूल किया जाता है। अरे तारावती, मैं तुझे एक हफ्ते की मोहलत देकर जाता हूँ, अगर हमारा रुपया हवेली नहीं पहुंचा तो कसम बंदूक की जो तेरे खसम का हाथ रुआ है वही तेरा होगा। ठीक है Thank you.
कोई मदद करने वाला है? ये गांव वाले भैया राम सिंह भैया मेरी मदद कर दो। हाँ भैया बोले नहीं आएगा। मेरे स्वामी की लाश गंगे घाट तक पहुंचा दो। अरे मैं गंगा घाट ले जा तो उन्हें घूम के खा रही हूँ। क्या बात है, तुम जाओ मैं इनका लेके जा। ठीक है बच्चा ले जाओ। आखिर वो घड़ी आ ही गई। किरण नहीं, अगर तुम चाहो तो का सारा कर्जा अभी और इसी वक्त माफ। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने मेरे घर से मुझे उठा लाया है ना, और मेरे पिताजी को गोली मार दिया। अभी तो सिर्फ उठा कर लाया हूँ तुझे। आगे आगे देखो मेरी जान होता क्या है। तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। देख कुंवर सिंह और कोश, मुझे मेरे घर छोड़ दे, मुझे मेरे घर वापस पहुंचा दे। छोड़ दूंगा मेरी जान, छोड़ दूंगा मेरी जान, लेकिन सिर्फ एक बात है मेरी, मेरा एक बार कहना मान ले। जरा देर सी की तो बात है, एक बार मेरी बात मान ले, मुझे अपने गले से लगा ले हंस करके। नहीं कभी नहीं, छोड़ दूंगा तुझे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि हमें ना सुनने की आदत नहीं है। जो चीज कुमार सिंह को पसंद आ जाती है उसे हम मांगा नहीं करते, बल्कि जबरदस्ती छीन लिया करते हैं। इस तरह जुल्म उठाओ तुम ठाकुर नहीं, और वो अंजाम इसका बुरा पाओगे। और बाप को समझा रहा हूँ। मैं तेरी बात नहीं, मेरी बात मान लो, सिर्फ एक ही बार की तो बात है, इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा। और फिकर मत करो, छोड़ दे मुझे। तुझे मैं अपने दिल की ही नहीं अपनी हवेली की रानी बना कर रखूंगा। मेरी जान की रानी जाकर तू अपनी बहन को बना, किरण कब से मैं तेरे नहीं आई। उतारे उतारे जो आबरू मुरली वाले के दिल में दया आएगी।
इंडिया, उतनी समय से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तेरी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। देखता हूँ कि तुझे बचाने के लिए यहाँ कौन सा लाता है। अब तेरे साथ वही करूंगा जैसा तू चाहती है। नहीं, छोड़ दे मुझे। बस मेरी जान, नहीं होगा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कभी ना। अरे बचो, नहीं नहीं बची, बचाओ। साली उतनी समय से पटर 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 पड़ रही थी। अब देखता हूँ कि तुझे कौन। अब इतना बड़ा भाई बियाबान जंगल है, यही साली तुझे छोड़कर जाता हूँ, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। साली यही पर अब इतनी समय से समझा रहा था। मर साली यही पर इसी बियाबान में, और ये चला कुमार सिंह अपनी हवेली। नाता है नजार।
बापी छूटा, घर द्वार छूटा, सारी दुनिया दे दे। अगर तू मुझे मौत नहीं देगा ना तो मैं ये सामने नदी बह रही है इसी नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। ये मेरे मेरे जिस्म में क्या हो रहा है? बोलिए सर, तुम्हें कुछ मालूम है? मुझे क्या मालूम है? इस इलाके में क्या जग्गा उर्फ जगराम नाम का डाकू जो है यस सर, बहुत तहलका मचा रखा है। जग्गा उर्फ जगराम? हाँ 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 सर। और हमें करना क्या है? क्या करना है? आज चलते हैं इस पहाड़ी की ओर और देखते हैं कि उन डोंकुओं का गिरोह रहता कहाँ है। ये बात है, आ चलते हैं। तो ठीक है, ये पहाड़ी की ओर चलते हैं। चलो आइए। सामने नहीं दिख रहा क्या? भूत जगराम के चक्कर में कहे भूत शैतान का पालन न पड़ जाए। चुपचाप निकलियो, इधर आओ। कहे का? हमारे पास आओ। नहीं नहीं, तुम अहिं जाओ। अरे अपनी बंदूक लोड करो। हाँ, बंदूक से भूत मारा थे का? अरे हमारी बात तो सुनोगे? बात तुम्हारा सुना लेकिन यह जगह न सुना। हमारे पीछे रहोगे, हम आगे रहेंगे, देखते हैं भूत क्या करता है। चलो तुम्हारे पीछे आ सका। आओ। ठीक है, आवत। और हवलदार, हमेशा याद रखना ये वर्दी को देख करके भूत शैतान सब भग जाते हैं। अरे हटाओ। क्यों? अबे परो नहीं ना, चक्कर में नहीं, पैंट का हुक तक नहीं बंद हुआ। इसका मतलब तुम डरते हो? करता हूँ, तभी तो पुलिस की नौकरी करता हूँ। अच्छा अच्छा, खैर कोई बात नहीं। आओ मेरे पीछे पीछे आओ, हम देखते हैं ये कौन है। ले जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कुछ बोलते जाओ तुम भी। ये कोई लड़की है? कौन? ये शैतान नहीं है, भूत नहीं है। हाँ तो चुड़ैल हो सका थी। पहले के पांव देखो, पांव तो खैर इंसान के तरीके दिखाई देते लेकिन उपाय तो भूत है। और करीब देखो। ऐसा करो तुम अहिं जाओ। ले आओ।
से। हवलदार इसको होश में लाओ। ऐसे लाओ हवा हवा हाको। अच्छा हवा हाको। हाँ उसके हाँक रहा कि अपने हाँक रहा। आपने कहा हवा हाँको। अरे इस लड़की के ऊपर हवा हाँको। इसके ऊपर। हाँ ऐसे होश मनाया। फिर पानी डालना पड़ेगा। ठीक है पानी लेकर आओ। है पानी। जहर खाएगी काली पीली हो जाएगी। क्या करोगी जीकर कहाँ जाऊंगी। संसार के लोग मुझे ताने मारेंगे मुझे छिनार कहेंगे आवारा कहेंगे फच्छिलन कहेंगे। अरे मेरी बात ये सब सुनने से पहले मैं आप में हद तक खत कर लूंगी। लड़के मेरी बात सुन मैं तुझको जीने का चारा बता रहा हूँ। देख मर जाएगी जहर खाएगी काली पीली हो जाएगी। है? हमको क्या है ले जाएंगे पोस्टमार्टम कर देंगे चीरफाड़ कर देंगे। हैं फांसी लगाएगी इतनी बड़ी जीभ निकल जाएगी। हैं आगी लगाएगी जल के भूंजा छऊना हो जाएगी। हैं पहले सोच अपने दिमाग से फिर मैं क्या करूं। क्या करूं मैं। ऐ लड़की कहाँ जाऊंगी मैं। उस शराबजादे कुंवर सिंह ठाकुर ने मेरी इज्जत लूट लिया मेरे पिताजी को गोली मार दिया। ऐसा कर कौन है मेरा इस दुनिया में। मेरी बात सुन रो मत मैं तुझको अभी जीने का सहारा बता रहा हूँ। तई साइड में हट मुझे साहब से कुछ बात करना है। सर बोलो 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 क्या कहना चाहते हो। क्या
कहना चाहते हैं? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हैं? बुरा न मैं तो एक बात कहूँ, देखिए। अरे कोई बात कहने में बुरा माने? आप जब यहाँ ड्यूटी से जाते हैं, सब्जी काटते हैं जी, मान लीजिए तवा तवा मांजते हैं, खाना बनाते हैं, ये तो हमारा काम ही है। मुझे आपको देख करके हंसी भी आती है और तरस भी आता है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए लड़की है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है ना सर? हाँ। और इसके साथ जो कुछ भी हुआ है हम दोनों के अलावा तीसरा नहीं जानता। हाँ, ये भी बात सही है। मेरी सलाह मानो, अकेले आप हो, अकेले लड़की है, दोनों लोग शादी कर लीजिए, आपका घर बस जाएगा और इसको मान लीजिए एक अच्छा सा पति मिल जाएगा। हवलदार क्या सर? कहना तो तुम्हारा ठीक है, है? लेकिन सोचता हूँ ये हवा कहीं और ज्यादा ना फैल जाए। सर मेरी बात मानिए, देखिए खूबसूरत भी है, पहले उसके चेहरे की तरफ नजर डाली। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। हाँ, मेरी बात, कुछ बातें करते हैं, बातचीत कर लीजिए। देखिए वो भी बेचारी मुसीबत की मारी है, हैं? क्यों बल्कि मुझे मर जाने दीजिए। देखो क्यों बचाने बचाने की कोशिश, हमारा फर्ज है और इस वर्दी को हमने धारण किया है तो किसी की हिफाजत के लिए धारण किया है। मैं आपके लायक नहीं हूँ, जो आप करना चाहते हो ना, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। हमारी समाज के सामने सर उठा के कैसे चल पाऊंगी? आखिरी बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे समझ में आए तो स्वीकार करना, वरना कोई बात नहीं। क्या कहना चाहते हो? तुम न घबरा, वो चली जाए और मेरे साथ में जी, तुम न घबरा, और चलिए मेरे साथ में अनू बना तुमको अपनी और मांग में डाल दूं। मांग में डाल करी तेरे सिंदूर में लू बनाए अपनी तुझको। सामने मंदिर दिख रहा है। हवलदार